से 24 साल पहले भारत अपने थर्मो न्यूक्लियर बोम का परीक्षण करना चाहता था। इस बोम को भारत ने बनाकर भी तैयार कर लिया था। ये बोम 45 किलो टन का था और इस बोम को एपीजे अब्दुल कलाम और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने मिलकर बनाया था। इस बोम को 1998 में 2 स्टेज में लॉन्च किया जाना था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इस बोम को लॉन्च नहीं किया गया था। और जब तक भारत अपने दूसरे बोम को बनाकर परीक्षण करता, जब तक अमेरिका को खबर लग गई थी कि भारत थर्मो न्यूक्लियर बोम का परीक्षण करने जा रहा है, इसीलिए ही अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिस वजह से हमारा थर्मो न्यूक्लियर बोम का परीक्षण नहीं हो पाया था। लेकिन आज उसी अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत जल्द से जल्द अपने थर्मो न्यूक्लियर बोम का परीक्षण कर ले, क्योंकि चाइना लगातार ही अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को बढ़ाता जा रहा है और 2030 तक चाइना इन्हें 1000 कर लेगा। आज केवल अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन के पास ही थर्मो न्यूक्लियर बोम है।